कोई भी बॉलीवुड तनुश्री दत्ता को सपोर्ट नहीं कर रहा, जनता नहीं कर रहा है। सिर्फ वो जो ट्वीट किया था ना 10 साल पहले, जेनिस ने गलत ट्वीट किया था। जेनिस बता दे आके कोर्ट में जज साहब के सामने के उसके अपनी आंखों से देखा, या पूरे सेलिब्रिटीज या मीडिया को बता दे कि मैंने अपनी आंखों से तनुश्री दत्ता मतलब नाना पाटेकर को छूते हुए, टच करते हुए, इधर उधर हाथ लगाते हुए देखा, अपनी आंखों से बता दे। उसने अपना अंदाजा लगाया था, अंदाजा लगाया था। तो वो ट्वीट को देख के, पढ़ के मीडिया वाले, उनको लग, सेलिब्रिटी को लगा जो मीडिया वाले ने बोल दिया वो भगवान ने लिख दिया। ऐसा नहीं है, मतलब पूरा देश झूठा है। और से मीडिया सच्ची है क्या? रियली रियली आप मीडिया से रियली? मैं मानती हूँ कि आप लोग सारी चीजें दुनिया को दिखाते हैं, ट्रांसपेरेंटली दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, भगवान बन गए क्या? फिर मैं मान ही नहीं सकती हूँ जेनिस की बात, मान ही नहीं सकती क्योंकि गाना मैंने किया है। नाना पाटेकर जी एक शरीफ इंसान है, उनका अपना पर्सनल रिलेशन किसी के साथ कैसा रहा मुझे नहीं मालूम, बट मैंने वो गाना किया है तनुश्री दत्ता को। अब तो मैं गर्व से कहती हूँ, हाँ येड़ी पागल, तेरे को रिप्लेस किया राखी सावंत ने, तेरी औकात ही नहीं थी वो गाना करने की, मैंने गाना किया। वो चाहे फ्लॉप है चाहे हिट है, बट मैंने किसी प्रोड्यूसर की जान बचाने के लिए किया। और ये 10 साल के बाद गड़े मुर्दे उखाड़ने यहाँ पे आई है, तभी क्यों नहीं कोर्ट गई? तभी इतना था, तभी क्यों नहीं गई? उन्होंने बोला कि मैं मेंटली और पूरी तरह, वो तो पूरी तरह मेंटली है ही है, अभी भी मेंटल है वो। हाँ ये तो आके मीडिया में बैठ के बकवास कर रही है, जाना तो कोर्ट जा, प्रूफ दिखा तनुश्री दत्ता पागल साइको, कोर्ट में प्रूफ दिखा, तू प्रूफ ला। देखो कोर्ट है ना एविडेंस मांगता है, एविडेंस दिखा के तूने कब तुझे नाना पाटेकर ने छुआ, क्योंकि पूरा यूनिट था, यूनिट के सामने एक जेनिस के बोलने से मीडिया ने सच मान लिया। और आप, और जो नाना पाटेकर ने इतनी जिंदगी अपने बॉलीवुड में दी, क्या आप उसको कसूरवार ठहराओगे? मीडिया पूरी कसूरवार ठहराएगी, मीडिया जज भी बन गई, तो अब हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है क्या? हमें कोर्ट में जाने की, इंडियन पैनल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है? एक लड़की बकवास डोप लेकर ड्रग्स लेकर आके न्यूज चैनलों में बैठती है तनुश्री दत्ता, और आप उसकी बात को मान लोगे? क्योंकि होशियारी मार रही है, बॉडी लैंग्वेज अलग है, ड्रग्स लेके ऐसे 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 फालतू बातें कर रही है, तुम्हारे मुंह पे अंग्रेजों के अंग्रेज बोल बोल कर चमाट मार रही है। मैं मानती हूँ मीडिया को जीआरपी डीआरपी चाहिए, ऐसे केस को फ्लैश करती है। सच्चाई दिखाओ ना, सच्चाई दिखाओ। तनुश्री दत्ता टोटली पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर रही है, और उसे बिग बॉस में जाना है। अरे बिग बॉस वालों यार, वो क्या अंदर तुमने बिठा के रखा है असली, ये तनुश्री दत्ता को डालो ना, उसको जाना है बिग बॉस में। बिग बॉस में जाने के लिए ये मर रही है, ये कांड कर रही है, इसीलिए ये बाहर ऐसे झूठा झूठा डाल दो इसको। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि बिग बॉस हाउस में जाके वो शिवर करेगी ना बगैर ड्रग्स के। जब आप ड्रग्स नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, इंसान है ना ऐसा हाथ कांपने लगता है, पागल हो जाएगी, तब पता चलेगा मीडिया को। है हिम्मत बिग बॉस वालों को जानते हैं, है हिम्मत, उसको डालो, जाएगी देखना, उसको सिर्फ एक बार ऑफर आए तुरंत अंदर भागेगी। लेकिन उसने ये बिग बॉस में जाने के चक्कर में वो किसी की जिंदगी खराब कर रही है। मुझे उसने लोअर क्लास बोला, मुझे बोला मेरा कोई क्लास नहीं है। हाँ मैं लोअर क्लास हूँ भाई, हाँ मैं हूँ, हाँ मेरा कोई क्लास नहीं है। तेरा क्लास है ना, तूने क्या किया, हग दिया ना चैनलों में जाके, तूने हगा ना अपने मुंह से, हला हगा ना, जुलाब किया ना तूने तनुश्री दत्ता, तुम लोग को बहुत हंसी आ रही है ना, तुम्हारे पे रेप का इल्जाम नहीं लगाया ना भाई, इसलिए तेरे को हंसी आ रही है। जिसकी जिंदगी खराब हो रही है ना उनको पूछो। तनुश्री से उस टाइम पे ही बात हुई थी। क्या कुछ बात हुई थी? मैंने बोला यार तेरा गाना मुझे करना पड़ा, बट व्हाई डिड यू डू,
तूने मेरा सॉन्ग क्यों किया, आई वॉज नॉट वेल. उस टाइम पे उसने बोला था मुझे, जब गाना होना खत्म, आई नो तनुश्री ना, जानती थी उसको मैं, उसके हेयर मेकअप, हम लोग सब एक ही वो चट्टे बट्टे सब घूमते रहते हैं. तो मैंने बोला यार तेरा गाना किया मैंने, तू कहाँ थी, बेहोश थी जब गाना वाना खत्म होने के बाद. बोलते पता नहीं यार मुझे क्या हो गया था, आई वॉज वेरी सिक. उसने नहीं बताया कि मैंने ड्रग लिया था, ये लिया था, वो लिया था, या सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सम फूड पॉइजन, पता नहीं क्या यार, मैं बेहोश हो गई और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी यार. मैं तो अंदर 4 घंटे में सो गई थी, आई वॉज टायर्ड, ये वो बहाने निकाल रही थी. उस फिल्म में रिम्मी सेन भी, मुजम्मिल, सब लोग थे, सब लोग सेट पे थे, सबके सामने इसको छू लिया, इसके अंदर अंग अंग में कोहिनूर हीरे लगे हुए, इसको छू लिया, ताजमहल इसका खराब हो गया, इसका ताजमहल ऊपर से नीचे तक पूरा खराब है इसका. तो राखी एग्री करती है कि अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ आप डांस कर रहे हो या दो कपल के साथ डांस कर रहे हो, थोड़ा बहुत छूना होना नहीं होएगा, नहीं होएगा. डुएट गाना होता है, डुएट सॉन्ग होता है. हाँ देखो, कुछ लोग छोटे लोग होते हैं ना, सी बी सिगरेट वाले करते हैं ना. मैं कहाँ मना कर रही हूँ और कहाँ नहीं होता, हर जगह होता है. सिर्फ बॉलीवुड को क्यों बदनाम कर रहे हो, हर जगह होता है, हर जगह. प्रमोशन पाने के लिए कौन नहीं करता, और यहाँ पे कोई किसी का रेप नहीं करता, गिविंग गिव बैक होता है यहाँ पर, और हर कोई अपनी मर्जी से करता, किसी को कुछ बनना है तो कुछ. आम की पेटी में एक आम खराब है तो उस पूरे आम को आप खराब नहीं कर सकते, कह सकते हो, समझ रहे हो. बी सिगरेट वाले तो करते ही है. मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि नहीं होता है, हर जगह होता है. तूने भी तो कुछ किया होगा कांड है. हाँ, स्टार्टिंग में मैं आई थी तो हुआ था ना मेरे साथ, जब मैं छोटी थी आई थी तो मेरे मुझे भी बोला गया था, बट मैं तो ना मीडिया को देखती हूँ ना पुलिस को, पुलिस और मीडिया आने से पहले मैं धो डालती हूँ, ये बाद में आते हैं. राखी सावंत उधर ही पटक पटक के मारती है, और बहुत लोगों को मारा है मैंने. कोई आके बोले राखी सावंत ने मारा है, कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा ना, क्योंकि मेरा बाप है ना पुलिस वाला है, मेरा डैड है ना पुलिस वाला है, उसने हमको हारना सिखाया ही नहीं है और ना मार खाना सिखाया. 4 को लेके मर सकती हूँ. लड़की कमजोर नहीं होती है, लड़की जो लड़कियों को इतना कमजोर बना दिया है ना, नहीं होती है. मैं पूरे देश की लड़कियों को राखी सावंत की हिम्मत देती हूँ. मैं मेरा DNA ले लो, मैं हिम्मत देती हूँ, डरो मत, सामना करो. औरत और मर्द एक ही समान है, सामना करो, लेकिन जुटा भी मत करो ये एड़ी की तरह. ये औरत को उतनी आज़ादी भी नहीं मिली है, यू नो, जिस तरह तनुश्री दत्ता करती, सर पे मूत रही है ये, है ना, झूठ बोल के. तुम झूठ बोल के किसी का, झूठ बोल के आप सहारा लेकर आप अपनी कॉन्ट्रोवर्सी कर रही हो ताकि आपको बिग बॉस में बुलाए, वापस बॉलीवुड में काम दे. आपका मोस्ट वेलकम है बॉलीवुड में, आप काम करो, है ना. इतनी मोटी भैंस हो गई है ये, है ना, ड्रग्स ले लेकर. तो आप पतले हो, फोटोशूट करो, काम आपको फिर से मिल जाएगा. फिल्मों में नहीं मिला, कैरेक्टर मिल जाएगा, या फिर सीरियलों में मिल जाएगा. हर बॉलीवुड हर किसी को काम देता है, कहीं ना कहीं उसके तकदीर में लिखा है, तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है. आप कॉन्ट्रोवर्सी करनी है, आप न्यूड हो जाओ ना मीडिया के सामने, के न्यूड हो जाओ, आप वही के वही हाईलाइट हो जाओगी. आप नाना पाटेकर का नाम क्यों ले रही हो, राज ठाकरे का, MNS का, उसको बोले गुंडे हैं, इनकी औकात नहीं है, इनको किसने कुर्सी दी, इनको कौन पॉलिटिक्स में लाया, नाना पाटेकर के औकात नहीं है कि वो हीरो बने. तेरी औकात है, तेरी औकात तो 2% की नहीं है तनुश्री दत्ता. तुझे जवाब चाहिए था ना, राखी सावंत ने तुझे जवाब दिया है. हाँ मैं लोअर क्लास हूं, हाँ मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है. तेरा स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड वालों को जवाब दिया है मैंने. दोबारा मुंह खोलेगी, सोच समझ के खोलना. तेरे में हिम्मत है, तेरे पिछवाड़े में तनुश्री दत्ता हिम्मत है, तुम मेरे सामने आ. एक औरत से बड़ा भारी पड़ेगी. वो शरीफ इंसान तुझे मुंह नहीं, तुझ जैसे गंद को मुंह नहीं लगाते. मैं हूं ना बॉलीवुड की तरफ से बोलने के लिए, और कोई भी सेलिब्रिटी
तनुश्री दत्ता को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो हमदर्दी दिखा रहा है, उनको सच्चाई पता नहीं है। क्या किसी भी बॉलीवुड ने देखा है उसके साथ होते हुए? तो ना वो तनुश्री दत्ता के साथ अन्याय करेंगे और ना ही नाना पाटेकर जी के साथ, है ना? तो नाना पाटेकर जी सीनियर एक्टर है, लेजेंड है, तो एक पागल के लिए वो जज नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपना न्यूट्रल आंसर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कोई बॉलीवुड सपोर्ट करेगा ही नहीं उसे। कल वो बोलेगी उठ के मेरा अमिताभ बच्चन जी ने रेप कर दिया, आप लोग मानोगे? है तनुश्री दत्ता कल उठ के बोलेगी मेरा कल अमिताभ बच्चन जी ने मेरा रेप कर दिया, मानोगे? वो तो झूठी एक नंबर की। क्या आप लोग अमिताभ बच्चन को सपोर्ट नहीं करोगे? हमारे लेजेंड है बॉलीवुड को, जिन्होंने खड़ा किया है। तो जिस तरह आप अमिताभ बच्चन का सपोर्ट करोगे, वैसे नाना पाटेकर जी का क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि नाना पाटेकर मीडिया को आके बाइट नहीं दे रहे, इसलिए आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जो मीडिया में आके बैठ दे रहे आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। मीडिया कब से डबल स्टैंडर्ड हो गई है? मीडिया कब से डबल स्टैंडर्ड दोगली हो गई है? एक्सक्यूज मी प्लीज। देखो इसको तो चैन ही नहीं है, एक घंटे से कॉल किया जा रही है। अरे मैं क्या स्टेप लूंगी, जितना मेरे को स्टेप लेना था मैंने ले लिया है, और मुझे उसने बुरा बुलाया, मैंने उसका जवाब दे दिया है, है ना? नाना पाटेकर जी को जो स्टेप लेना है वो लेंगे जरूर, वो उनका मैटर है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पे मीडिया में आकर बकवास नहीं करेंगे। उन सब के बिहाफ ऑफ मैं आ गई, क्योंकि गाना मैंने रिप्लेस किया है, मेरी नज़रों के सामने सब हुआ है। या ड्रग लेके 4-5 घंटे अंदर वैन में गायब हो गई थी, सो गई थी, बाहर लोग मर रहे, प्रोड्यूसर मर रहा, इसको कोई लेना देना नहीं था। है तुम्हारे में सच? ये सच है। वैन में लॉक हो गई थी कि नहीं?